सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो आरक्षण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, ये तो मजाक बना। ये हमारा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के मंत्री ने लोकसभा में इस जवाब को रखा है, इस जवाब एक सवाल के जवाब में इन्होंने दिया है। अब इन दोनों गठबंधनों ने मिलकर के तय कर लिया है कि बहुजन समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, और एक तरफ हिंदू बनाएंगे और एक तरफ जातिगत अलग अलग बांट करके हम वोट दोनों ले लेंगे, और दोनों ही वोट लेकर के बहुजन समाज पर अत्याचार और जुल्म करेंगे और इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना। अगर मनुवादी सोच के नहीं रहते तो ये आरक्षण हमारा कैसे छीने, ये कैसे हमारे आरक्षण को इन्होंने छीनने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये मनुवादी सोच के, इन्होंने नीतीश कुमार ने तो घोषणा की थी कि जितने दलितों की महादलितों की हत्या होगी हम नौकरी दे देंगे। क्या उन्होंने नौकरी दिया आज तक एक भी दलितों की हत्या में? हत्या होना ही बड़ा जुर्म था, लेकिन हत्या होता है उन्हें न्याय नहीं दिला पाते, तो ऐसा व्यक्ति क्या न्याय, जो न्याय नहीं दिला पाता वो क्या नौकरी दिलाएगा। अनुसूचित जाति को हम दे रहे हैं टोटल 5 साल में 7.65% दे रहे हैं, SC को, शेड्यूल ट्राइब्स को दे रहे हैं 3.8% और OBC को दे रहे हैं 15.92%। ये कहाँ गया? ये मंडल कमीशन था बाबा साहब का, जो स्पष्ट रूप से पहले से शेड्यूल कास्ट SC और ST के लिए आरक्षण दिया गया है, ये कौन सा, ये क्या मोदी और शाह आरक्षण हो गया क्या आज? बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में, बहन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा घटना हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है और इसको हम किसी भी परिस्थिति में रोकने का काम करेंगे। तो हम लोग आज बिहार इकाई जो बहुजन समाज पार्टी है अपने बिहार सरकार को आगाह करना चाहती है कि ऐसे मुद्दे को आप तत्काल प्रभाव से रोकिए, और रोक करके जो हमें प्रमोशन में जो लाभ मिलना चाहिए था उन लाभों को देने का काम करें, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी बिहार में एक आंदोलन खड़ा करने का काम करें। NDA ने 5 साल में सिविल सर्विसेज परीक्षा में जो आरक्षण के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, ये तो मजाक बना। ये हमारा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार के मंत्री ने लोकसभा में इस जवाब को रखा है, इस जवाब एक सवाल के जवाब में इन्होंने दिया है कि हम जो आरक्षण जो है इतने लोगों को ही दे पा रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति को हम दे रहे हैं टोटल 5 साल में 7.65% दे रहे हैं, SC को, शेड्यूल ट्राइब्स को दे रहे हैं 3.8% और OBC को दे रहे हैं 15.92%। ये कहाँ गया? ये मंडल कमीशन था बाबा साहब का, जो स्पष्ट रूप से पहले से शेड्यूल कास्ट SC और ST के लिए आरक्षण दिया गया है, ये कौन सा, ये क्या मोदी और शाह आरक्षण हो गया क्या आज? इस आयोग का कौन सा, क्या नाम इन्होंने दिया है, कौन सा आयोग के तहत इन्होंने आरक्षण का शेड्यूल बदल दिया? ये SC ST OBC के आरक्षण को कैसे ये खत्म कर सकते हैं? ये ऐसा लगता है कि अब इन दोनों गठबंधनों ने मिलकर के तय कर लिया है कि बहुजन समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है, और एक तरफ हिंदू बनाएंगे और एक तरफ जातिगत अलग अलग बांट करके हम वोट दोनों ले लेंगे, और दोनों ही वोट लेकर के बहुजन समाज पर अत्याचार और जुल्म करेंगे और इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना। एक हमें नौकरी से रोक रहे हैं, एक हमें आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही मिलकर के हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, और हमारे बच्चों को जो हमारे भविष्य हैं उन्हें निश्चित रूप से, जैसे NDA की सरकार नौकरी देने से रोक रही है, अगर सिविल सर्विसेज में आरक्षण को आधा कर दिया गया, महाविद्यालयों में विश्वविद्यालयों के अंदर हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिलती है, प्रोफेसर को बन नहीं पाते हैं, जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमारे लोग हैं ही नहीं, तो ऐसे स्थिति में कैसे हमारे लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ लिख करके कैसे उनका भविष्य तय होगा? तो ऐसा लगता है कि इन दोनों सरकारों ने एक प्रमोशन रोक रहे हैं और एक हमारी नौकरी रोक ले, तो दोनों ही मिलकर के हमारे लिए कुआं खोद रहे हैं और ये काला कानून बना करके बहुजन समाज को रोकने का काम कर रहे हैं।
बहुजन समाज पार्टी आदरणीय महंत जी के नेतृत्व में, महंत जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा घटना हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है और इसको हम किसी भी परिस्थिति में रोकने का काम करेंगे। हम लोग आज बिहार इकाई जो बहुजन समाज पार्टी है अपने बिहार सरकार को आगाह करना चाहती है कि ऐसे मुद्दे को आप तत्काल प्रभाव से रोकिए और रोक करके जो हमें प्रमोशन में जो लाभ मिलना चाहिए था उन लाभों को देने का काम करें, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी बिहार में आंदोलन खड़ा करने का काम करें। है ये अभी हमने आपको बताया कि कैसे बहुजन समाज को खाने वाले लोग और बहुजन समाज को जो खाने वाले लोग हैं उनके साथ बहुजन समाज पार्टी कभी नहीं जा सकती। बहुजन समाज पार्टी जो दलितों का हक खाएंगे, जो पिछड़ों का हक खाएंगे, जो महादलितों का हक खाएंगे, जो आदिवासियों का हक खाएंगे, उनके साथ बहुजन समाज पार्टी कैसे जा सकती। बहुजन समाज पार्टी महंत जी के नेतृत्व में अलग है और निश्चित रूप से बहुजन समाज जिस तरह से एकत्रित हुआ है, जिस तरह से बहुजन समाज रोज एकत्रित हो रहा है, आगे आने वाले समय में इन दोनों ही गठबंधनों पर भारी पड़ेगा और आदरणीय महंत जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको तो सीधे तौर पर लॉस लग जाता है, बसपा को उत्तर प्रदेश में सीटें घट जाएगी, विधानसभा में जैसे हुआ है लोकसभा में मुश्किल हो जाएगा। देखिए आप ये कहने खाता खुलने में मुश्किल हो जाएगा ये आगे आने वाला समय तय करेंगे, हम और आप नहीं इस बात को तय कर सकते हैं। बहुजन समाज जो मतदाता है, सर्वजन समाज के जो मतदाता है वो तय करेंगे और जब निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो हमारा खाता खुलेगा या हमें सबसे ज्यादा मत मिलेगा ये वो देखने की जरूरत है और जब रिजल्ट आएगा देखेंगे। अपनी बात हमारे बहुत को खा रहे हैं या क्या, ये भारतीय जनता पार्टी की ये टीम है या बी टीम है? तो बहुजन समाज पार्टी इन सामंतवादियों के साथ, इन मनुवादियों के साथ जो हमारा हक खाएं, जो हमारा हुकूम खाएं, जो हमारे सम्मान को ललकारे, उनके साथ कभी बहुजन समाज पार्टी और हमारी आदरणीय पवन कभी उनके साथ नहीं बैठ सकते। अगर मनुवादी सोच के नहीं रहते तो ये आरक्षण हमारा कैसे छीने, ये कैसे हमारे आरक्षण को इन्होंने छीनने का काम किया? तो निश्चित रूप से ये मनुवादी सोच के आज हमें ये जातिगत जनगणना ये करा दी है। जातिगत जनगणना से क्या हमारा हक मिल गया? इन्होंने नीतीश कुमार ने तो घोषणा की थी कि जितने दलितों की, महादलितों की हत्या होगी हम नौकरी दे देंगे। क्या उन्होंने नौकरी दिया आज तक एक भी दलितों की हत्या में? हत्या होना ही बड़ा जुर्म था लेकिन हत्या होता है उन्हें न्याय नहीं दिला पाते, तो ऐसा व्यक्ति क्या न्याय, जो न्याय नहीं दिला पाता वो क्या नौकरी दिलाएगा? और क्या दलितों को नौकरी के लिए मरना पड़ेगा, हत्या कराना पड़ेगा? तो ये एक अलग तरह की प्रवृत्ति से चल रहे हैं और ये बोलते कुछ हैं करते कुछ और।